हेलो एवरीवन, इट्स कृतिका फ्रॉम आईटी लेवल्स। एंड मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था जब मैं अपना रीमिक्स आईडी यूज़ कर रहा था, मैं अपना इंजेक्टेड वेबसाइट सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड इसको करने के लिए मैंने पहले तो ब्रेव यूज़ करा था, उसके बाद क्रोम में आ गया, बट फिर भी नहीं हो रहा था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एंड मुझे ये एक आर्टिकल मिला स्टैक एक्सचेंज पे। तो इससे ये सॉल्व हो चुका है और अभी मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफेक्टली डिप्लॉय कर पा रहा हूँ। तो ये देखते हैं कैसे किया मैंने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सटेंशन में मैनेज एक्सटेंशन करूँगा, उसके बाद यहाँ पर डेवलपर मोड ऑन करके अपडेट दबा दूँगा। सो मैंने अपने एक्सटेंशन को अपडेट कर चुका हूँ, तो अभी इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस मुझे अभी एक रीलोड करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता हूँ यूजिंग रीमिक्स आईडी। सो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो इतना ही था, थैंक यू।